हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के डीएस क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही है और सही डायरेक्शन में चल रही है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ रेलवे जेई सीबीटी 1 का मेरा स्कोर कार्ड क्या था, मेरे कितने उसमें नंबर आए थे, मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ था। और सबसे बड़ी बात है, इस वीडियो में मैं सब कुछ डिटेल में बताऊँगा कि सीबीटी 1 की जो तैयारी होती है आप सेल्फ स्टडी से कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। क्योंकि सपोज़ अगर आप कोई कोचिंग नहीं भी ले रहे हो तो भी आप सीबीटी 1 की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, अगर आपको तरीका पता रहेगा कि भाई तैयारी कैसे करना है। तो इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ कि मेरा टेस्ट सीरीज़ का रेफरेंस क्या रहता था, बुक्स क्या रेफरेंस थे, रिवीजन का स्ट्रेटेजी क्या होता था, और सारा चीज़ मैंने सेल्फ स्टडी के हेल्प से ही किया था और वीडियोज़ जो होते हैं यूट्यूब में उनकी हेल्प लिया था। तो मैं सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं दिखाना चाहूँगा आपको मैं अपना स्कोर कार्ड। आप स्कोर कार्ड में देख सकते हो आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमें 90 मिनट में करने होते हैं, और मैंने वहाँ पे 91 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट किया हुआ था, जिसमें से 80 क्वेश्चंस मेरे सही थे और 11 क्वेश्चंस रॉन्ग थे। 76.33 मेरे उसमें रो मार्क्स आ रहे थे। और अगर आपकी जो शिफ्ट होती है अगर उसमें क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा टफ रहेगा कंपेरेबल टू अदर शिफ्ट, तो नॉर्मलाइजेशन में जनरल नॉर्मली क्या होता है उसके आपके नंबर कुछ बढ़ जाते हैं, तो 2.5 मार्क्स अप्रोक्स मेरे इसमें बढ़े थे और मेरा नंबर आया था 78.9 आउट ऑफ 100। तो इस तरीके से मेरा सीबीटी 1 जो है क्वालिफाई करके मैं सीबीटी 2 गया हुआ था। तो अब मुद्दे की बात है कि भाई आप कैसे सीबीटी 1 जो है क्वालिफाई करोगे अच्छे से, आपका क्या रिसोर्स होना चाहिए, क्या पढ़ने का तरीका होना चाहिए, मैंने खुद क्या किया था, मैं अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा और आप इससे क्या सीख सकते हो खुद डिसाइड कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जैसे ही रेलवे जेई का नोटिफिकेशन आया हुआ था फॉर्म वगैरह मैंने फिलअप कर दिया, ठीक है। अब बारी आई तैयारी की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कोई भी एग्जाम की हम तैयारी करते हैं तो हम उसका सिलेबस देखते हैं। मैंने भी क्या किया था, इसका सिलेबस देखा। अब देख सकते हो सिलेबस में आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो सीबीटी 1 का जो सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको समझना हमें। क्योंकि सिलेबस में आप देख सकते हो 100 क्वेश्चंस 90 मिनट में करने हैं, मतलब एक क्वेश्चंस को करने में हमें 1 मिनट से भी कम टाइम लगना है, मतलब इसमें स्पीड चाहिए, ठीक है, विद एक्यूरेसी। और ये समझ में आया कि देखो मैथमेटिक्स में इसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से इसमें 25 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चंस एंड आपका जनरल साइंस से आते हैं टोटल 30 क्वेश्चंस। तो यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर हो गया जब मैंने ये सिलेबस देखा कि अगर मैं मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग को अगर अच्छे तरीके से कर लूँ तो भाई 55 नंबर तो मेरे जो है सिर्फ इन दो टॉपिक से तैयारी मतलब तैयार हो जाएगा, अच्छे तरीके से हो जाएगा। और जनरल अवेयरनेस जो होता है इसमें जो 15 नंबर आपके आ रहे हैं इसमें आपका करंट अफेयर्स रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, पॉलिटी रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, ये सारा चीज़ आपका इसमें जनरल अवेयरनेस में रहने वाला है। और जनरल साइंस की बात करो तो इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड लाइफ साइंस, ठीक है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इसमें जनरल साइंस, देखो इसमें सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ है कि अप टू द ये क्लास 10th लेवल का जो CBSE का जो सिलेबस होता है उसके स्टैंडर्ड पे पूछा जाएगा। तो अब मुझे लगा कि यार जनरल अवेयरनेस की तो भाई जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने टारगेट किया किसको, रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स को, ठीक है। अब मैंने इसको कैसे प्रिपेयर किया, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ जेन्युइनली, आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा मैं इन टॉपिक्स में डरता था क्योंकि मैं सिर्फ टेक्निकल पढ़ने में ज़्यादा विश्वास रखता था, ठीक है। क्योंकि आप मैं गेट की तैयारी करता था वहाँ पे प्योर टेक्निकल चलते हैं, ठीक है। और मैं मानता हूँ कि वहाँ पर भी जो है 30 मार्क्स आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आते हैं और 15 नंबर आपका रीजनिंग पोर्शन आता है, लेकिन मैं वहाँ पर इतना डरता था कि वहाँ पर भी मैं वो पोर्शन टच नहीं करता था। बट नाउ क्या ऐसा कंडीशन हो गया कि अब तो मुझे ये प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा इस टॉपिक को। तो भाई मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन को इसको मैंने कैसे प्रिपेयर किया, देखो बहुत ही मैं बता रहा हूँ, इसमें अगर आप लो लेवल पर भी हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ बस इसको फॉलो करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कोई एक बुक का रेफरेंस लिया, ठीक है। क्यों लिया भाई, मैंने उस टाइम यूट्यूब का भी बहुत कम रेफरेंस लिया था जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के, क्योंकि आप देखोगे यूट्यूब में बहुत ही ज़्यादा आपको सोर्स मिलेगा इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए। बट मैंने क्या किया था, बुक्स का मैंने हेल्प लिया। अब अगर आपको अच्छा लगता है यूट्यूब में जो बहुत अच्छे अच्छे चैनल है उनसे अगर पढ़ना तो आप वहाँ पर भी जाके आप पढ़ सकते हो, या अगर कोई बुक का रेफरेंस रखे हो जैसे RS अग्रवाल हो गया, ठीक है, और भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अगर आपके बुक्स होंगे वो भी आप रख सकते हो। तो मैंने क्या सबसे पहले बुक लिया, फिर मैंने मैथ्स को पढ़ना स्टार्ट किया। मैथ्स में क्या भाई, सपोज मुझे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है तो मेरे इतनी बेसिक्स नीचे थी कि भाई उसको भी समझने में अगर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का लेवल आ जाता था ना तो भाई उसको करने में भी मेरी मतलब क्या बोलते बोल सकते हो कि मतलब कर नहीं पाता था मैं उन सारे क्वेश्चंस को।
तो भाई अब ये होगा कैसे, चमत्कार तो नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो मुझे भी वही करना पड़ा। मैं क्या करता था, थ्योरी पोर्शन जो भी उसमें आता है, सपोज मैंने नंबर्स पढ़ रहा हूँ, भाई नंबर्स के टाइप, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, थ्योरी पोर्शन को अच्छे से पढ़ता था। उसके बाद देख रहा कोई भी बुक्स होता है तो उसमें जब आपकी थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाती है तो उसके रिलेटेड आपके कुछ एग्जाम्पल्स के सोल्यूशन रहते हैं, उस एग्जाम्पल्स के जो सोल्यूशन क्वेश्चन होते थे उसको मैं सोल्व करता था। उसके बाद जो उसके जो भी उसका टॉप चैप्टर रहेगा उस चैप्टर से भी मैं कुछ क्वेश्चन लगाता था। इस तरीके से सपोज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को उठाया तो उसका थ्योरी पढ़ा, एग्जाम्पल के जो सॉल्यूशन रहते थे उसको मैंने किया, और उसके उससे चैप्टर से जो क्वेश्चन आते थे उसके कुछ क्वेश्चन के, सारे नहीं करना है क्योंकि बहुत बड़ा उसमें देखना बहुत सारे क्वेश्चन ऐड किए रहते, तो सारे नहीं करना आपको। फिर जैसे मैंने वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस इस तरीके से कंप्लीट किया, फिर मैं टेस्ट सीरीज़ की अगर बात करूँगा तो मैं सबसे ज़्यादा जो एक ही टेस्ट सीरीज़ यूज़ करता था वो टेस्ट बुक का। यार टेस्ट बुक मतलब इतनी कम दाम में आप देख सकते हो हर एग्ज़ाम के टेस्ट सीरीज़ यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पर मैं करता क्या था, अब आप रेलवे जेई की तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो आप किसी अदर एग्जाम्स के नहीं लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। मैं करता क्या था कि एसएससी सीपीओ, ठीक है, देखना आप वहाँ पे एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, भले मैं उनकी तैयारी नहीं कर रहा हूँ लेकिन उनके जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो पोर्शन होता था, खास करके एसएससी सीपीओ का, मैं बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करता था। क्यों? क्योंकि उनके जो क्वेश्चन के लेवल होते थे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लेवल होता था। इस तरीके से मैंने एक एक टॉपिक करके धीरे धीरे रीजनिंग का हो चाहे मैथमेटिक्स का हो थ्योरी पढ़ता था उसका, फिर उस बुक से कुछ मैंने चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, फिर मैं उसको टेस्ट सीरीज़ के हेल्प से क्वेश्चंस को इम्प्रूव किया। और टेस्ट सीरीज जब आप लगाओगे तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं बनेंगे ना उस क्वेश्चन को, तो भाई टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद उसको ज़रूर एनालाइज करना है, देखना है कि इसमें कहाँ आपकी किस कंसेप्ट में कहाँ कमी रह गई है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट उसमें अगर कंसेप्ट मिले तो उसको भी एक नोट रखना कि भाई आप गलत कहाँ करते हो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में। इस तरह से करते करते धीरे धीरे मैंने मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला जो पोर्शन होता है मैंने बहुत ही अच्छा कर लिया। और उस टाइम साथ साथ ऐसा नहीं कि मैंने मैथ्स और रीजनिंग जब पढ़ना स्टार्ट किया तो भाई बाकी सारे को छोड़ दिया, नहीं। अब बात करूँगा मैं दूसरे टॉपिक जिसको बोलते हैं जनरल साइंस। तो जनरल साइंस का आप देख सकते हो सिलेबस में क्या बताया गया कि अप टू 10th लेवल काम को यहां पे पढ़ाई करना। तो मैं उस टाइम रखता था, देखो आर्यन की बुक, ये आर्यन की, ये देख सकते हो ये बुक, ये आप 2019 का है ना, उस टाइम 2018 में वैकेंसी आई थी और 2019 में मैं तैयारी कर रहा था इसके, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या किया, आप देख सकते हो जनरल साइंस में इसमें जो टॉपिक ऐड किया गया कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आपको सीबीटी 1 में नहीं देना होता, ये आपको सीबीटी 2 में आएगा। तो सीबीटी 1 में आप, मैं बिलीव करो कि देखो अगर आप सही पढ़ रहे हो, सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो कैसे पता चलेगा, कि आप जो चीज़ पढ़ाई कर रहे हो उन टॉपिक से अगर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हो तो भाई आप सही डायरेक्शन में हो। तो मैं क्या करता था, क्योंकि 10th लेवल में हमको तैयारी करना है भाई और यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं करना है, कब डिटेल में मुझे एनसीईआरटी पढ़ना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने सोर्स को लिमिटेड करके सिर्फ अरिहंत को ही चूज़ किया। आप डिपेंड, अगर आपको अच्छा लगता है लुसेंट तब लुसेंट को भी प्रेफर कर सकते हो। तो वहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जैसे फिजिक्स स्टार्ट किया तो भाई हर एक पॉइंट जो होता है यहाँ पे फिजिक्स का वो सारा चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो उसको हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है, उसको मार्क करके रखना है। मैं मार्क इस तरह से करके रखता था, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। और इस तरीके से मैं जब यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल साइंस की तैयारी करता था, उसके बाद फिर इसकी भी टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज लगाता था। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आपको मिले, चाहे रेलवे के ALP के, चाहे वो ग्रुप डी के मिले, चाहे अगर आप CGL के मिले, जनरल साइंस की बात कर रहा हूँ, तो आप लगा सकते हो, क्योंकि ग्रुप डी भी आपको 10th लेवल के बेसिस पे पूछता है, तो वहाँ पर भी जनरल साइंस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वहाँ उसके क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे टेस्ट आपके टेस्ट बुक में एक जगह मिल जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने जनरल साइंस के लिए सिर्फ ओनली क्या, मैंने ये आर्यन को प्रीफर किया और कुछ भी प्रीफर नहीं किया। और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं रेलवे के अलग अलग एग्जाम्स के, चाहे ALP के, टेक्नीशियन के, तो दोनों के सेम होते हैं एग्जाम, आपके SSC JEE के अगर आए होंगे कुछ क्वेश्चन तो उसको मैं कर लिया। ये सारा चीज़ आपको एक ही जगह पे टेस्ट बुक में मिल जाएगा। ये बात की हम लोगों ने जनरल साइंस की। अब मेन मुद्दे की बात आती है जनरल अवेयरनेस। भाई मैंने सोचा है मैं UPSC की तैयारी नहीं कर रहा हूँ और 15 क्वेश्चंस ओनली आने वाले हैं जनरल अवेयरनेस में, जिसमें एक वास्ट सिलेबस है, ज्योग्राफी है, उसके बाद आपका करंट अफेयर्स है, पॉलिटिक्स है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री के भी अलग अलग 3 पार्ट्स हैं। तो भाई इसको कैसे किया जाए, फिर मैंने इसको क्या किया, आप देख सकते हो मैं नोट्स बनाना स्टार्ट किया इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज। जैसे कि मैंने फर्स्ट टॉपिक अगर आप देख सकते हो, जितने भी सारे इंडियन मूवमेंट की जो इंपॉर्टेंट डेट्स थे, ठीक है, जैसे कि क्या कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन कब हुआ, किसने किया, ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ, ये सारा चीज़ मैं इस नोट से इस तरीके से बनाता था और एक ही जगह पे कंपाइल करके रखता था, आप देख सकते हो, ताकि मुझे रिवीजन करने में ये इजी हो। तो जनरल अवेयरनेस को भी धीरे धीरे आपको इसी तरह से कवर करना। सबसे पहले मैंने इंडियन पॉलिटी उठाया और इंडियन पॉलिटी भी जब उठाया तो ये जो आर्यन की देखना छोटी सी बुक आती है 30 रुपीज़ में आती है, मैंने उससे
इंडियन पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि उसमें देखना जो समराइज फॉर्म में दिया रहा था कि भाई चलो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ लिया, जिससे क्वेश्चंस हमेशा आता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से रीड्स होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट्स आपके जैसे आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन, तो ये सारा चीज़ में इस तरह से धीरे धीरे अपने टॉपिक वाइज डेली 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऐड करते चला गया, तो जनरल अवेयरनेस को भी मैंने धीरे धीरे इस तरह से कवर किया। और करंट अफेयर्स की अगर बात करूँगा तो करंट अफेयर्स की अगर यूट्यूब में कोई भी वीडियोज़ आप देखते हो तो किसी एक आदमी को उसमें फॉलो करो जो आपको अच्छा लगता होगा, और उसके भी नोट्स बनाना है, ठीक है, किसके करंट अफेयर्स को, और जब आपके लास्ट जब एग्ज़ाम आ जाते हैं उस टाइम देखना करंट अफेयर्स के कंपाइल 6 मंथ या 1 ईयर की जो बुकलेट आती है उसको पढ़ लेना, तो इस तरीके से करंट अफेयर्स का जो पोर्शन होता है ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें मैंने सारा कुछ बताया कि रीजनिंग, उसके बाद मैथमेटिक्स कैसे करना है, जनरल अवेयरनेस किस तरीके से मैंने किया, जनरल साइंस की तैयारी कैसे किया, और फाइनली आप टेस्ट सीरीज जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब सारे पहले तो आप जब स्टार्टिंग तैयारी करना स्टार्ट करते हो ना उस टाइम आप क्या करते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाते हो, बट जैसे ही आपकी सिलेबस कंप्लीट होती है पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज लगाना वेरी मस्ट, ये कंपलसरी है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज लगाने के बाद सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करना है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, क्योंकि आपने टेस्ट सीरीज लगाया सपोज करो 5 क्वेश्चंस गलत हुए और आप उसको एनालाइज ही नहीं करोगे तो जब नेक्स्ट टेस्ट लगाने वाले हो तो वहाँ पर भी उन टॉपिक से आपको क्वेश्चंस गलत होने ही है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करते चले जाओ, ठीक है, तो साथ में इस तरह से करोगे तो CBT 1 की तैयारी आपको सेल्फ स्टडी हेल्प से बहुत ही अच्छी हो जानी है, ठीक है। और टेक्निकल सब्जेक्ट जो होती है उनकी रिवीजन कैसे करना, मैंने उसका भी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में देखना लिंक होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।